हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम चार पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए बातचीत करेंगे जिनको लेकर के रेटिंग्स में अपग्रेडेशन किया गया है। और आपसे मैं बोलना चाहूँगा कि आप इस मार्केट के ब्लड बैथ के गिरावट के पैनिक में मत आइए, बस तसल्ली बना करके शांति से बने रहिए। और ये वो बैंक्स हैं जिनमें केयर रेटिंग्स ने बहुत बड़ी बात कह डाली है, आइए जानते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक, इसके अलावा एक बैंक है कैनरा बैंक, इसके अलावा है इंडियन बैंक और एक और बैंक है जिसका नाम अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से यहाँ पे बताना चाहूँगा, बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से ये रेटिंग्स को लेकर के अपडेट किया गया है। केयर रेटिंग्स ने, आप देखिए यहाँ पे बैंक्स के यानी फोर स्टेट ओन्ड बैंक्स जिनके नाम अभी मैं आपको बताऊंगा क्लियरली, इनके 81 बॉन्ड्स रेटिंग को अपग्रेड किया गया है बाय ए नोच। देखिए यहाँ पर केयर रेटिंग्स ने अपग्रेड किया 81 बॉन्ड्स जो कि चार बैंक्स के, जैसे कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड एक बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन चारों के क्रेडिट प्रोफाइल के अंदर मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है केयर को, दैट्स वाई इन्होंने इसके इन बैंक्स के रेटिंग्स को अपग्रेड किया है। राइट, 81 बॉन्ड्स जनरली परपेचुअल नेचर के होते हैं, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो बैंक्स जनरली बैसल थर्ड कंप्लेंट फ्रेमवर्क के अंदर बैसल थर्ड कैपिटल फ्रेमवर्क के अंतर्गत इसे रेज करते हैं सर्टेन कूपन रेट्स के ऊपर, और ये लॉस एब्जॉर्बर भी होते हैं। केयर रेटिंग्स ने कैनरा और इंडियन बैंक के AA की रेटिंग दी गई थी, इसको AA प्लस कर दिया है, पंजाब नेशनल बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के AA माइनस की रेटिंग को AA कर दिया गया है। ये जो कैपिटल कुशन के अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अलावा, ये इस रेटिंग अपग्रेडेशन के लिए ट्रिगर किया है। दोस्तों, कैपिटल कुशन यहाँ पे एक मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है, IRBI की तरफ से सेट किया गया होता है, उस मिनिमम रिक्वायरमेंट के अबव अगर कैपिटल है तो वो कैपिटल कुशन की तरह काम करेगी। कुशन क्या होता है, जब आप कहीं खेलते हैं और ज़मीन पे कुशन है तो आप गिरेंगे तो आपको चोट कम लगेगी। यानी बैंक्स का अगर कहीं किसी तरीके से लोन फंस जाता है तो वो एक बैंक के लिए खात है, एक चोट है, उस चोट से बचने के लिए कैपिटल कुशन की ज़रूरत होती है जिसके लिए यहाँ पे बैंक्स पहले से प्रोविजनिंग करके रखते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है। राइट, तो यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट होने की एक्सपेक्टेशन करी जा रही है और डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व जो पोजीशन है इन चारों बैंक्स की, इसके अंदर भी काफ़ी सुधार होता हुआ देखने को मिला है केयर रेटिंग्स की तरफ से। सारी बातें ये फैक्टर इन करके ही बताई गई, उसी के बाद ही रेटिंग असाइन किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में रिजोल्यूशन होने के नाते इन बैंक्स को इनके प्रॉफिट्स में काफ़ी बढ़िया रिकवरी होती हुई दिखाई दी है, जैसे कि DHFL और कुछ इस तरीके के लोन्स जो लार्ज लोन्स थे बेसिकली। तो यहाँ पे बैंक्स ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोविजन करके रखा हुआ है पहले से बैड लोन्स या बैड एसेट्स के अगेंस्ट। राइट, और क्योंकि COVID-19 से किसी भी तरीके की अगर सिचुएशन इमर्ज होती है तो उसको टैकल किया जा सके। प्रोविजन कवरेज रेशियो यानी PCR इसीलिए इनका काफ़ी हाई है, जो कि इनके बैलेंस शीट को काफ़ी गुड लुकिंग और मजबूत बना के देता है। अब यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से रेगुलेटरी सपोर्ट कुछ मिला है, क्योंकि भारत सरकार ने डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स की डेफिनेशन को वाइडर कर दिया है, यानी उसे बढ़ा दिया है, उसका एरिया ऑफ उसको ब्रॉडनिंग कर दिया है बेसिकली। तो इससे क्या होगा, इससे बैंक्स को अब ज़्यादा ऑप्शन होगा डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स को रेज करने के लिए। तो इससे यहाँ पे बैंक्स जो हैं जो एक्युमुलेटेड लॉसेस होंगे अगेंस्ट शेयर प्रीमियम अकाउंट उनको सेट ऑफ करने के लिए अलाउ किया जाएगा। इससे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की एबिलिटी जो है बढ़ जाती है टू सर्विस कूपन्स ऑफ 81 बॉन्ड्स।
राइट तो इस तरीके से ये हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स इवन को सपोर्ट करने के लिए ये स्टैंड लिया गया है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स यहाँ पे एक्सपेक्टेड हैं कि ये कैपिटल सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रिसीव कर सकते हैं इन एडवांस, सो दैट कि कूपन पेमेंट ट्रिगर जो है किसी तरीके से यहाँ पे ब्रीच ना हो इन फ्यूचर। 81 बॉन्ड्स जैसा कि मैंने अभी बताया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और ये अदर इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा अलग होते हैं। तो दोस्तों बाकी बातें हम ज़्यादा नहीं करेंगे, जो मैंने मेन पॉइंट था वो मैंने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी। ये वो चार बैंक्स हैं जिनमें केयर रेटिंग्स की तरफ से काफ़ी बढ़िया पोजीशन दिखाई देती है आने वाले टाइम में। इस डिप से आप चिंता ना करें, सिचुएशन कवर होगी और उसमें ये तेज़ी से दौड़ेंगे। चलिए खैर अपना ख्याल रखिए दोस्तों, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कंसीडर कर लीजिए सब्सक्राइब करना, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर सेट करिएगा और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा। टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।